ये जो है सिर्फ सर्किट को ऑन कराने के लिए दोस्तों, ये सर्किट ऑन हो गया ये देखें, और ये सर्किट ऑफ हो गया। तो इससे इंटर से हमारा पंखा ऑन हो गया, और दोबारा इंटर दबाने से हमारा पंखा बंद हो गया। इससे इसकी स्पीड कम होगी और इससे ज़्यादा होगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ तारिक अली और आप देख रहे हैं तारिक इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम आपको एक डीसी फैन की जो रिमोट कंट्रोल सर्किट है उसके बारे में कुछ मालूमात देंगे। तो दोस्तों ये सर्किट और रिमोट आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, तो ये सर्किट आप अपने जो डीसी कूलर है उसमें यूज़ कर सकते हैं, या आपके पास डिजिटल फ़ैन है डीसी उसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई भी डीसी मोटर है जो 3 एम्पेयर तक लोड लेती हो, तो इसमें जो ड्राइवर लगा है उससे हम सिर्फ 3 एम्पेयर तक इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इसमें हम ज़्यादा एम्पेयर का ड्राइवर लगाएंगे तो फिर ये हमें ज़्यादा एम्पेयर देगी। तो ये दोस्तों आप अपने पंखे में आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने पंखे को रिमोट कंट्रोल बना सकते हैं। तो दोस्तों ये सर्किट आपको अभी दिखाते हैं और इसके साथ एक पंखा लगा के आपको इसकी स्पीड कंट्रोल करा के दिखाते हैं। तो ये दोस्तों जो है इसके ऊपर 2 LED नज़र आ रही है, एक LED शो कराती है कि आपका सर्किट ऑन है या ऑफ़ है। अगर ऑन होगी तो वो LED जल रही होगी, अगर ऑफ़ होगी तो वो आपकी सर्किट बंद होगी। और दूसरी LED पंखे की है, पंखा हमारा ऑन है कि ऑफ़ है। तो ये इसके साथ रिमोट यूज़ होगी, कोई भी रिमोट इस तरह है का है वो आप इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, इस सर्किट में आप रिले वगैरह लगा के तो आप अपने कमरे में जो AC पंखे होते हैं उनको ऑन और ऑफ़, सिर्फ ऑन और ऑफ़ करा सकते हैं इससे, कि आप बटन से उसको ऑन ऑफ़ कराते हैं। तो आप उसको इस सर्किट में थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी, प्रोग्रामिंग चेंज करके तो आपको वो सर्किट डिज़ाइन कर देंगे। तो उससे आप अपना जो एक कमरे की लाइटें वगैरह पंखे वगैरह उनको आप आसानी से उनको ऑन या ऑफ़ करा सकते हैं। तो जिस दोस्त को भी ये सर्किट चाहिए तो वो हमसे ले सकता है, हमारे पास ये अवेलेबल है। आपको जो इसकी रिक्वायरमेंट होगी उस तरह आपको ये बना के दी जाएगी। तो ये एक सिर्फ सिंपल हमने बनाई है सिर्फ एक DC पंखे में लगाने के लिए, ताकि रिमोट से आप उसकी स्पीड कंट्रोल कर लें और उसको ऑन कर लें और उसको ऑफ़ कर लें। ये हमारे पास एक पंखा है और ये इसको हमने 12 वोल्ट दे दिए हैं सर्किट को। अभी इसके ऊपर ये पावर जो ऑन ऑफ़ के लिए रिमोट का बटन है, इसको वैसे जैसे ही मैंने प्रेस किया तो ये देख लें इसके ऊपर ये लाइट ऑन हो गई और सर्किट हमारा ऑन हो गया। ये लाइट सर्किट ऑन वाली है। अभी इंटर का बटन मैं दबाऊंगा तो हमारा पंखा ऑन हो जाएगा, और साथ ही ये देख लें येलो कलर की LED भी नज़र आ गई है। अभी आगे मैं इसकी स्पीड कम ज़्यादा करके आपको दिखाता हूँ। तो अभी देखें, यह मैं इसकी स्पीड कम करता हूँ इस बटन से, ये देखें अभी आपको पंखा नज़र आ रहा है, ये देख लें, ये देखें। अभी मैं दोबारा इसकी स्पीड बढ़ाता हूँ इससे, इस बटन से, तो ये देख लें अभी स्पीड इसकी तेज़ हो गई है। तो दोस्तों इससे आप अपने इस तरह पंखे की स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई भी DC मोटर है उसकी। अब आपने इसको ऑफ़ करना है तो इंटर को आपने दबाना है, ये देखें ऑफ़ हो गया। दोबारा मैं इंटर को दबाता हूँ तो हमारा पंखा ऑन हो गया। तो ये दोस्तों एक बेहतरीन चीज़ है, तो ये भी आप अपने पंखे वगैरह में लगा के तो इससे आप अपने पंखे वगैरह की जो है वो स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं और उसको ऑन ऑफ़ कर सकते हैं। ये देखिए दोबारा मैं पावर का बटन दबाता हूँ तो ये ऑफ़ हो जाता है हमारा ये सर्किट। ये जो है सिर्फ सर्किट को ऑन कराने के लिए दोस्तों, ये सर्किट ऑन हो गया ये देखें, और ये सर्किट ऑफ़ हो गया। तो इससे इंटर से हमारा पंखा ऑन हो गया, और दोबारा इंटर दबाने से हमारा पंखा बंद हो गया। इससे इसकी स्पीड कम होगी और इससे ज़्यादा होगी। जी दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, और हमारे चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ दिए गए बेल के बटन को ऑन करें ताकि हर नई आने वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जी दोस्तों, इजाज़त दें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।